बॉलीवुड की हर फिल्म में नायक का जितना अहम रोल होता है उससे कहीं ज्यादा एक खलनायक की भूमिका अहम होती है, जो फिल्म की मीठी स्टोरी को चटपटा बना देती है। कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने कई फिल्मों में खूंखार विलेन का किरदार निभाया है, जो हीरो पर भी भारी पड़ जाते हैं और जिनका मुकाबला हीरो बड़ी मुश्किलों से कर पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो एक्टर फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते हैं वो असल जिंदगी में ऐसे नायक हैं जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, और आप में से कम ही लोग इनकी बेटियों के बारे में जानते होंगे जो कि काफी सुंदर हैं। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड फिल्मों में खूंखार विलन का किरदार निभाने वाले इन अभिनेताओं की खूबसूरत बेटियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर हैं कबीर बेदी। कबीर बेदी ने फिल्म जगत में अपने नेगेटिव किरदार की वजह से एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बहुत से फिल्मों में एक से बढ़कर एक दमदार विलेन का किरदार निभाया है, जिनमें खून भरी मांग, कच्चे धागे और मोहनजोदाड़ो जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी बेटी का नाम पूजा बेदी है, जो इनकी पहली पत्नी की बेटी है। ये भी एक अभिनेत्री है जिन्होंने काफी फिल्मों में काम किया है और अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन से लाखों लोगों को अपना फैन बनाया है। और अगर इनकी खूबसूरती के बारे में बात करें, तो ये दिखने में काफी खूबसूरत हैं और बेहद स्टाइलिश भी हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नंबर 4 पर हैं डैनी डांगजोम्पा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खूंखार विलेन डैनी ने अपने करियर में ऐसे खलनायकों के किरदारों को निभाया है जिनके आने से सभी लोग कांपने लगते थे। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में एक दमदार खलनायक का किरदार निभाया है, जिनमें सनम बेवफा, धुंध और मणिकर्णिका जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी बेटी का नाम पेमा डांगजोम्पा है, जो कि एक बिजनेस वुमन है। और इनकी खूबसूरती के तो क्या कहने, ये दिखने में काफी खूबसूरत है और बेहद स्टाइलिश नजर आती है, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नंबर 3 पर हैं शक्ति कपूर। मुझे नहीं लगता कि आपको शक्ति कपूर के बारे में परिचय देने की कोई जरूरत है, क्योंकि यही एक ऐसे अभिनेता हैं जो खलनायकों के किरदारों को बड़े मजे से निभाते थे। फिल्म अंदाज अपना अपना में इनका मास्टर गोगो का किरदार बहुत मशहूर हुआ था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था। इसके अलावा इन्होंने 5 कैदी, प्यार का मंदिर, चालबाज, आंखें और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इन सभी फिल्मों में इन्होंने बेजोड़ विलेन के किरदार निभाए थे। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी बेटी भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, जिनका नाम श्रद्धा कपूर है। इन्होंने फिल्म 3 पत्ती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और आज तक कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दे चुकी हैं और काफी कम समय में ही खूब सफलता हासिल कर चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती के बारे में, तो ये दिखने में काफी खूबसूरत हैं और बेहद स्टाइलिश भी नजर आती हैं, जैसा कि आप इनकी इन फोटोज में साफ देख सकते हैं। नंबर 2 पर हैं प्रेम चोपड़ा। पुरानी फिल्मों में ज्यादातर खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले एक्टर प्रेम चोपड़ा आज भी विलेन्स की लिस्ट में शुमार है। इन्होंने अपने 50 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 350 से भी ज्यादा फिल्मों में जबरदस्त किरदार निभाए हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी 3 बेटियां हैं, जिनका नाम रितिका, पुनीता और प्रेमा है। इनमें से प्रेमा ने एक्टर शर्मन जोशी से शादी की है। इनकी तीनों बेटियां ही फिल्मी जगत से दूर हैं और अपनी सादगी भरी जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो ये सब भी काफी खूबसूरत है। नंबर 1 पर है अमरीश पुरी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मोगैम्बो के नाम से पहचान रखने वाले अमरीश पुरी आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनके किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। फिल्मों में इनकी दमदार आवाज और गुस्से से बाहर निकली हुई इनकी डरावनी आंखें खलनायक के किरदार में फिट बैठती थीं। शायद यही कारण है कि आज तक बॉलीवुड में उनकी टक्कर का कोई खलनायक नहीं आया है, या ऐसा कहें कि कोई उनकी जगह ले ही नहीं सका। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी के बारे में, तो इनकी बेटी का नाम नम्रता पुरी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये बाकी स्टार किड्स से काफी अलग हैं और बहुत सादगी भरा जीवन जीती हैं। लेकिन खूबसूरती के मामले में ये भी किसी अभिनेत्री से कम नहीं लगती, और ना ही स्टाइल के मामले में ये किसी अभिनेत्री से कम है।
तो दोस्तों, आपको इन सभी खलनायकों में से किस खलनायक की बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।